नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गोसाई सर में। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि खराब इंडियन लड़ी को कैसे ठीक करते हैं। इस वीडियो की हेल्प से आप घर में बैठे 3 से 4 मिनट के अंदर कोई भी खराब इंडियन लड़ी को आराम से रिपेयर कर सकते हो। तो आप टेंशन की कोई बात नहीं, आप कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी बताता हूँ वो सब मैं आपको, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, बहुत आराम से आप कोई भी घर में कर सकता है। देखो मैंने यहाँ पे क्या करा है, 9 वॉट का बल्ब लिया है। आप 0 वॉट का भी ले सकते हो, 9 का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। होल्डर है, वायर्स है और इसके अंदर रजिस्टर यूज करा है मैंने, ठीक है। रजिस्टर जो यूज करा है वो करा है मैंने 1 किलो ओम का। इसका जो सर्किट डायग्राम है कि कैसे बनेगा बहुत सिंपल सा है, वो मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे बन रहा है, ठीक है। उसका सर्किट डायग्राम भी आप देख सकते हो कि कैसे बन रहा है, आप स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल सिंपल सा एज इट इज बना दो और आराम से चेक कर लो, ठीक है, कि कैसे इंडियन लड़ी को हम ठीक करते हैं। अब बस मैं ध्यान रखना है एक चीज आपको कि जब भी आप ये काम करो, इंडियन लड़ी को ठीक करो, इस सर्किट इसको अच्छा, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे वो देखो। अच्छा एक बात इसका ध्यान रखना, जब भी आप रिपेयर करने के लिए बैठो तो क्या करना है, आपके हाथ गीले ना हो और आप बिना स्लीपर के यानी कि बिना चप्पल के ना हो, नीचे कुछ मैट बिछियो। मैंने मैट बिछा रखी है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का काम है तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। आप कुछ टच बस में कर लो, ऐसा शॉर्ट ना लग जाए आपको, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत तो लग भी सकता है, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, इसका सर्किट डायग्राम भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने ये कैसे कैसे यूज किया है, ठीक है। 9 वॉट का बल्ब, ये आपका होल्डर हो गया, ये तो रजिस्टर, ठीक है, ये सब चीजें वायर, तो इसका सर्किट आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत सिंपल सा है, मैंने जो इस सर्किट में मैंने जो आपके रजिस्टर यूज करे, रजिस्टर मैंने 1 किलो ओम के यूज करे और मैंने 4 लगा रखे, आप 5 भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने 1 किलो ओम के यूज करे हैं, 4 यूज कर रखे हैं, इसमें 5 भी लगाओगे तो भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। एज इट इज जैसे आपको दिखाई दे रहा है वैसे ही बना दो। अब देखो करना कैसे, तो ठीक है शुरू करते हैं कि इस इंडियन सीरीज लड़ी को ठीक करना कैसे सीखेंगे। ये जो सीरीज आपके सामने पड़ी है ना, ये खराब नहीं है, बिल्कुल सही है। देखो मैं जला के दिखाता हूं आपको, देखो ये जल रही है, ठीक है, ये आपकी जल रही है। अब इसे खराब करेंगे और फिर इसे ठीक कैसे करेंगे वो देखो। तो कोई भी एक बल्ब को खराब कर लेते हैं, ठीक है, किसी एक को मैं खराब कर देता हूं, चलो ये हो गया, ठीक है। अब देखो मैं जला के दिखाता हूं, ये जलेगी नहीं आपकी क्योंकि मैंने खराब कर दी है, ठीक है। देखो अब ये नहीं जल रही है, ठीक है, अब ये नहीं जल रही है। अब इसे ठीक कैसे करेंगे वो देखो ध्यान से। पहले तो इसका जो ये सर्किट है इसे हटा दो, जिसको हम ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं, इसको हटा दो, ठीक है, खोलो इसको और हटा दो, चलो इसको हटा देते हैं, ये हमने हटा दिया, ये ब्रिज रेक्टिफायर हटा दिया, इसको अलग कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो इसको खोलो, ठीक है, 3 से 4 मिनट में आप आराम से सही कर दोगे इसको। जो वायर इसके अंदर से आ रही है बल्ब के अंदर से, इसको रखो, ठीक है, और जो दूसरी वायर है इसको अलग करके साइड कर दो, ठीक है, इसको अलग कर दो, इसके नीचे रख देता हूं, ठीक है, ये आ गई इसके नीचे। अब ये वाली वायर इसको अलग रखो, आपको 3 पॉइंट लेने हैं, एक शुरू का ले लो, एक सबसे आखिरी का, ठीक है, खोल दो, और एक बीच का। देखो अब अगर मैं बोलूं तो आपको भी नहीं पता चलेगा कि वो मैंने जो बल्ब खोला वो कौन सा है, ठीक है, और मुझे भी नहीं पता है। तो क्या करना है, एक शुरू का ले लो, एक लास्ट का ले लो और एक बीच का कोई भी ले लो, ठीक है। तो मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब आ जाओ अपने मेन काम पे, यानी कि मेन चीज हमारी क्या है, ये इसका ध्यान रखना, ठीक है, ये अलग अलग रहे आपके। अब क्या करेंगे, इसको लगा देते हैं इसमें और चेक कर लेते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखो बिल्कुल काम कर रहा है, टच करते ही बल्ब जल रहा है आपका, ठीक है, चलो अब चेक करते हैं। तो क्या करना है, पहला आपका जो ये वाला था, हाँ ठीक है, ध्यान रखना बल्ब के अंदर से जो वायर आ रही है, ठीक है, पहली वायर उसको लो, ठीक है, एक लास्ट का पॉइंट लो और एक बीच का कोई भी ले लो, चलो चेक करते हैं, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। ये ले लिया मैंने लास्ट का, तो अब देखो टच करो, ठीक है, आपकी देखो ये नहीं जल रही है क्योंकि ये खराब है, ठीक है, बीच से जल नहीं सकती, कोई भी किस में भी टच करके देखो आप,
अब क्या करूं, अब बीच वाला भी चेक करूं, इस पे और इस पे चेक करूं, ये भी नहीं कर रही है, तो क्या करूं फिर इसको और इसको, देखो ये जल रही है, ये टच करते ही जल गई, यानी कि ये वाला पार्ट क्या है, यानी कि इसके वाला इधर वाला बिल्कुल सही है। देखो यहां टच करो और इस पे टच करो, आपका जल रहा है, यानी कि इधर तक पूरा करंट आ रहा है, यानी कि यहां कुछ गड़बड़ हो रखी है, ठीक है, यहां गड़बड़ हो रखी है, करो अब इसको हटा दो, ठीक है, थोड़ा सा रिस्की होता है इसलिए हर बार हटाओ इसको, ये हो गया। अब हमें पता चल गया यानी कि इधर वाला पार्ट बिल्कुल ठीक है, कौन से वाले में गड़बड़ आई थी, इसमें और इसमें आ रही थी, ठीक है, इसमें और इसमें आई, यानी कि यहां पे इनमें से कुछ गड़बड़ हो रखा है, बाकी इसके इधर वाला पूरा चल रहा है। अब ये दो पॉइंट ले लो, ये दो पॉइंट हो गए, ये दो पॉइंट हो गए आपके, एक ही हो गया, एक ही हो गया, और एक बीच का उठा लो, कोई भी एक बीच का उठा लो, चलो मैंने ये ले लिया, एक बीच का कोई भी ले लो, तो तीन पॉइंट हो गए, एक ही हो गया, एक बीच का हो गया और एक स्टार्टिंग का, फिर से ऐसे लगा दो और चेक करो, तीन से चार मिनट के अंदर आप फटाफट से चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते बल्ब जल रहा है, जल रहा है, तो इस पे लगाओ और लास्ट लास्ट में, नहीं जल रहा, ठीक है, फिर इस पे लगा के देखो, सब निकला नहीं बाहर, ठीक है, इस पे और इस पे नहीं जल रहा है, तो फिर इस पे और इस पे देखो, अब ये जल गया, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये जल रहा है, यानी कि क्या बात है, यानी कि अब इसके इधर इधर वाला ठीक है, दिक्कत कहां आ रही है, यानी कि जब हम इस पे और इस पे चेक कर रहे हैं तो ये नहीं चल रहा है, ठीक है, तो यानी कि अब इन दोनों के बीच में इसको हटा देते हैं एक बार फिर से, अब हमें यानी कि दो मिल गए, यानी कि इनके बीच में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, इनके बीच में, अब इन दोनों पॉइंट को ले लो, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को ले लो और इनके बीच का ले लो, इन दोनों पे नहीं चली थी, ये दो पॉइंट हो गए, ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए और इनके बीच का ले लेना है हमें, कोई भी बीच का, ये दो पॉइंट हो गए हमारे, इसको साइड करो, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए हमारे, एक पॉइंट हमारा ये हो गया और एक पॉइंट हमारा ये हो गया, और एक बीच का उठाते हैं इसका, कोई भी ये, ठीक है, इसको ले लिया हमने, ये तीन हो गए, दोबारा लगाते हैं और दोबारा चेक करते हैं इन तीनों पे, बल्ब जल रहा है आपका, तो ठीक है, इस पे और इस पे, जाहिर सी बात है नीचे लगा क्योंकि बीच में कोई दिक्कत है, ठीक है, अब इस पे और इस पे नहीं जला, इस पे और इस पे, यानी कि जल गया, यानी कि यहां तक आ रहा है, यानी कि इसके इधर पे आ रहा है, ठीक है, इसके इधर पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां दिक्कत है, यहां नहीं जल रहा है, ठीक है, तो अब निकाल दो, हर बार निकालो, ठीक है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ध्यान से, अब इन दोनों में कोई दिक्कत है, यानी कि इन दोनों के बीच में कहीं दिक्कत है, ठीक है, इन दोनों के बीच में दिक्कत है, अब इन दोनों को पकड़ लो, ठीक है, इन दोनों को पकड़ लो, ये हो गया, ठीक है, अब इसका उठा लेते हैं कोई, ठीक है, बीच का उठा लेते हैं, ये हो गए, अब इनके बीच में दिक्कत है, तो मैंने ये दो पॉइंट ले लिए, ठीक है, ये वाला और एक बीच का उठा लेते हैं, ये ले लेते हैं, चलो ये तीन हो गए, हर बार एक बीच का और दो लास्ट 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 के, ठीक है, जहां से दिक्कत आई वहां वहां से उठा लो, ये हो गए, ठीक है, ये तीन पॉइंट हो गए, फिर से लगा देते हैं इसको, ठीक है, और ये रहा ब्लैक वाला, चेक कर सकते हो दोबारा से, हाँ बल्ब जल रहा है, अब ये लेते हैं, इस पे लगाओ और इस पे नहीं जला, इस पे लगाओ, इस पे जल गया, यानी यहाँ कुछ कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ पर जल रही है, यहाँ और यहाँ, इनके बीच में कोई दिक्कत है, ठीक है, फिर से सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हटाओ इसे बाहर से, इन दोनों के बीच में दिक्कत है, ठीक है, अब आप देख भी सकते हो, देखो इसके बीच में कम बल्ब है, चाहे तो खोल के देख लो, ठीक है, लेकिन फिर भी हम अपने टेस्टर का, ठीक है, सीरीज टेस्टर बोलते हैं इसको, सीरीज टेस्टर से, तो अब इसको निकाल लेते हैं, ठीक है, ये तीन हो गए हमारे, इसको लगा दो, टेस्ट कर लो, टेस्टर काम कर रहे हैं, अब ये तीन पॉइंट है, एक दो, जाहिर सी बात है काम नहीं करेगा, इसमें चेक कर लेते हैं,
यानी कि दिक्कत यही होने वाली है, इसको भी चेक करके देख लेते हैं, ये जलना चाहिए, हाँ जल रहा है, जल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ है, यहां और यहां दिक्कत है, ठीक है, दिक्कत इन दोनों पे है। चलो फिर से हटा देते हैं इसको, तो इन दोनों पे दिक्कत है। देखो अब बल्ब कितने, एक दो तीन चार, इसको अब आप हाथ से भी देख सकते हो कि कहीं से कोई कनेक्शन तो नहीं छूटा हुआ, ठीक है, तो यानी कि इसी पे होनी चाहिए दिक्कत। हाँ दिख गया, देखो देखो इन दोनों के बीच में था चार बल्ब, तो आप हाथ से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, खोल के देखा कहीं कुछ वायर नहीं छूटी है, यहां वायर छूटी हुई थी, इस वजह से ये नहीं चल रहा था, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा सीधा सीधा, ठीक है, यहां वायर छूट रखी है, इस वजह से पूरी सीरीज नहीं चल रही है आपकी, ठीक है। तो क्या करते हैं, ठीक कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो देखो कितना आसान है, और ये काम आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि इसके पैसे होते हैं, इसके पैसे लेते हैं इलेक्ट्रीशियन ठीक करने वाले, इसलिए मैंने आपको बहुत आराम से, मेन काम क्या है, दो पॉइंट लेने हैं लास्ट लास्ट के, एक बीच का चेक करते जाओ, धीरे धीरे लड़ी आपकी जो लड़ी है वो कम होती जाएगी, और आप अपने फॉल्ट पॉइंट पे जहां पे गड़बड़ है वहां पे पहुंच जाओगे, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं पूरी लड़ी को चेक करूं, ठीक है, अब पूरी लड़ी जलेगी आपकी, क्योंकि हमने जो फॉल्ट था वो ठीक कर दिया। अब एक स्टार्टिंग का ले लेते हैं और एक लास्ट पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, जरा लास्ट, ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है, और एक मैं ले लेता हूं बिल्कुल स्टार्टिंग वाला, ठीक है, स्टार्टिंग वाला जो बल्ब से वायर निकल रही है, ठीक है, बल्ब से वायर निकल रही है, और एक लास्ट पॉइंट ले लिया हमने, टेस्टर काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो पूरी लड़ी जल रही है आपकी, क्योंकि हम जहां पे गलती थी, जहां पे फॉल्ट था, जहां पे दिक्कत आ रही थी, वो हम ठीक कर चुके हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बोला कि सब्सक्राइब करें, अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर करें कि आप सीखे हो कि नहीं सीखे हो। कहीं पे कोई दिक्कत आए आप मुझे कॉल करें, नंबर आपको दे रखा है, ठीक है। इंडियन लड़ी कोई भी हो, सेम टू सेम मेथड से इसी तरीके से आपको ठीक कर लेनी है। आपकी लड़ी ठीक हो गई है, अब आप दोबारा से इसको यूज कर सकते हो। कभी भी कोई दिक्कत आए सेम मेथड आपको अप्लाई करना है। सर्किट डायग्राम अगेन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, सेम टू सेम वैसे ही बना के सेम मेथड से आपको कोई भी लड़ी को ठीक कर लेना है। तो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अगर पसंद ना भी आए तो सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और सेलेक्ट ऑल सेलेक्ट करें, ताकि सारी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।